हरन महादेव दोस्तों अटूट आस्था व भक्ति का संगम देखने को मिलता है देवभूमि उत्तराखंड के इस पावन धाम में। यह पावन धाम रानीखेत से 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पावन धाम को वैष्णवी रूप में पूजा जाता है। माँ वैष्णवी की पूजा इस पावन धाम में की जाती है। इस पावन धाम तक पहुँचने के लिए आपको 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इस प्रसिद्ध मंदिर को दोस्तों धुनागिरी या धौं पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं माँ धुनागिरी के इस प्रसिद्ध और पावन धाम की लोक मान्यताएं, माँ के चमत्कार तथा इस प्रसिद्ध मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा जिले में द्वाराहाट से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित धुनागिरी का यह प्रसिद्ध धाम भारत में मां वैष्णवी के बाद दूसरा वैष्णव शक्तिपीठ है। कतूरी शासक सुधार देव ने 1318 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण व मूर्ति की स्थापना कराई थी। मंदिर की चोटी पर पहुँचने के लिए आपको 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और यहाँ से जो प्रकृति का अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलता है वह आपकी थकान को मिनटों में आप दूर कर देता है। दोस्तों माँ धुनागिरी के इस प्रसिद्ध धाम से कई धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। जो सबसे पौराणिक धार्मिक कथा जुड़ी हुई है वह महाभारत काल से है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर सुसेन वैद्य ने धौं पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा था। हनुमान जी ने जब पर्वत उठाया और भरत ने यह देखा कोई पर्वत उठा रहा है तो उन्होंने बाण चलाया और उस बाण से उस पर्वत का कुछ हिस्सा जो है वह कटकर जमीन पर गिर गया, जो पिंडी के रूप में इस जमीन पर गिरा और वह धुनागिरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और धौं पर्वत जो था वह धुनागिरी पर गिरा था, इस कारण से वह धौं पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और यहाँ अभी भी वर्तमान समय में कई ऐसी औषधियाँ आपको मिलती हैं और यहाँ वृक्षों के अलग अलग प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। दोस्तों इस गर्मी में माँ के इस पावन प्रांगण तक जंगल की आग पहुँच गई थी। हमें वह सरकारों को इस पर विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है और इसके लिए सुरक्षा के जो प्रबल और प्रबंध है उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो जंगलों में हैं और प्रकृति के बीच बसे हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए, उन्हें आग से बचाने के लिए हम कि क्या वातावरण या क्या आपके सुझाव हो सकते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, कुछ प्राचीन मंदिरों के बारे में। देवभूमि इंडिया ने पिछले साल भी एक प्ले लिस्ट बनाई थी उत्तराखंड टेम्पल यात्रा से, उसमें भी हमने उत्तराखंड के कुछ प्रमुख और प्राचीन मंदिरों के बारे में आप सभी को बताया। अगर उन मंदिरों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में पौराणिक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि द्रोणाचार्य ने इस स्थान या इस पर्वत पर तप किया था, इसी कारण से इसे द्रोण पर्वत कहा जाता है। मंदिर में माँ गणेश, माँ पार्वती आदि कई मूर्तियाँ स्थापित हैं। जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो अपने आप ही स्थित हुआ वह माँ पिंडी के रूप में, जिस तरह वैष्णो देवी में माँ का स्वरूप देखने को मिलता है उसी तरह दो पिंडियों में यहाँ माँ का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। वैष्णो देवी में तीन स्वरूपों में देखने को मिलता है। ये थी दोस्तों माँ धुनागिरी के मंदिर और उसके इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अब हम जानते हैं माँ धुनागिरी के इस प्रसिद्ध और पावन धाम की कुछ लोक मान्यताओं के बारे में। लोक मान्यताओं के अनुसार माँ के इस प्रसिद्ध धाम में अखंड ज्योति जलाने से जो भी महिला अखंड ज्योति जलाती है उसे संतान की प्राप्ति पूरा करती है। माँ धुनागिरी के पावन धाम में जो भी भक्त की जब मनोकामना करता है तो भक्त चांदी, सोने व के छत्र चढ़ाते हैं तथा घंटियां चढ़ाने की जो पद्धति हमारे उत्तराखंड के अनेकों मंदिरों में है वह भी इस प्रसिद्ध धाम में भी है। माँ के
यहाँ बजी असंख्य घंटियां इस बात का प्रमाण भी है लोगों के आस्था माँ के प्रति, माँ के इस धाम के प्रति किस तरह की। आप भी जरूर दर्शन करने पहुंचे माँ दूनागिरी के इस प्रसिद्ध धाम में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि हम और अच्छे और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। जुड़े रहें देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।